पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ के अंदर दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड किया जाता है एक साथ। तो पॉलीगन लॉ कहता है कि अगर आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स जिनको ऐड करना है, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, कितने भी वेक्टर्स हैं, तो आप इसे एक पॉलीगन की साइड्स बनाएं, टेकन इन सेम ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, जैसे ए वेक्टर के बाद बी वेक्टर के बाद सी वेक्टर के बाद डी वेक्टर बना लें। तो जो आखिरी ओपन साइड पॉलीगन है, ये जो क्लोजिंग साइड होगी इसकी ऑपोजिट ऑर्डर, ये इसका रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर। तो ये सब सेम ऑर्डर है, ये क्लोजिंग ऑर्डर है, आर वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। वैसे नई बात कोई नहीं है, आप अगर दो दो करके वेक्टर लें, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर, तो आप अगर इसका रिजल्टेंट लें, ट्राइंगल लॉ लगाएं, तो देखो क्लोजिंग साइड आ गई, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। फिर ये वेक्टर में सी वेक्टर ऐड करें, तो एक नया ट्राइंगल की क्लोजिंग साइड आ गई, तो ट्राइंगल लॉ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। फिर एक और वेक्टर ऐड कर दें, क्लोजिंग साइड आ गई, तो ए वेक्टर पर बी वेक्टर पर सी वेक्टर पर, ये तो यार ट्राइंगल लॉ से बना हुआ पॉलीगन लॉ है, कोई नई बात थोड़ी ना है, ठीक है। तो बहुत सारे ट्राइंगल लॉ बना के पॉलीगन बना दिया। स्टेटमेंट, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय साइड ऑफ एन ओपन पॉलीगन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड डी वेक्टर ओपन पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो ये डायग्राम बना के आना है, ये करके आना है, क्या ये पॉइंट क्लियर है? फिर कोई कहता है सर ये तो अच्छा है, ठीक है, एक ही बारी में 5-7 वेक्टर ऐड कर दो। बोलो आर का फॉर्मूला क्या है आपका? मेरा कोई फॉर्मूला नहीं है आर का, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है आर का, क्योंकि इकट्ठे वेक्टर एक्चुअल में ऐड ही नहीं हो सकते। वेक्टर फॉर्म में डायग्राम में हो सकते हैं, पर आर का मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, तो फिर कैसे आएगा? फिर दो दो करके ऐड करने पड़ते हैं, पहले ए वेक्टर बी वेक्टर आर निकाल लो, फिर ए वेक्टर जो आर आएगा वो सी वेक्टर के साथ आर देगा, फिर जो आंसर आएगा डी के साथ। लंबा काम है, हम करेंगे वो किसी और तरीके से करेंगे, बहुत छोटा कर देंगे इसे, पर लेकिन इसका कोई आर का फॉर्मूला कोई नहीं है, स्टेटमेंट है, और ये बस स्टेटमेंट ही है इसकी। तो क्लियर है यहाँ तक?